before moving towards the question answer session, this august house extremely and humbly request honorable Dr. Syed Kalbe Sadiq Sahab for his guidance and for his spiritual advice to the all the students and the parents. Sir, we will be deeply acknowledging your genuine advice. मैं इस वक्त बीमार हूँ, कुछ बहुत पहले से मुझे उम्मीद थी कि मेरा वारंट आ गया मुझे मारा, फिलहाल वो वारंट कैंसिल नहीं हुआ है। मैं नहीं कह सकता है कल मैं लेकिन मेरी जो दिलचस्पी है खासतौर पर तालीम के मुझे फैस करना है, चाहे इंसान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉल को चाहे बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, चाहे आपको ये नहीं लगता। नमाज सिर्फ नमाज का पढ़ना इस्लाम नहीं, सिर्फ रोजे रखना इस्लाम, सिर्फ हज के लिए जाना इस्लाम, रस्मों का रिसोर्स का नाम नहीं है इस्लाम, कैरेक्टर। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार ये भी मुसलमान हुआ। मैं आसर का इंतजार कर सकते हैं लेकिन वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। मुख्तसर ये है, तीन चीज़ें वो हैं जो इंसान को मुसलमान बनाती है। पहली चीज़ ये है, आप जिसे मुसलमान हैं वो जाहिल है या आलिम? अगर वो जाहिल है वो जानवर है, इंसान आलिम क्या? अगर इंसान जाहिल है तो वो इंसान है, मुसलमान होने की बात। दूसरी बात, गरीबी, गरीबी इस्लाम की दुश्मन तब फन कह दूँ इस्लाम कहीं। ये दो चीजें जो हैं वो आपकी, एक गरीबी और एक जहानत, एक मौत। जहानत वाला आदमी किसी की बात सुनता नहीं, तो आलिम होता है रखे, जिससे आप दस सवाल करें तो उनके लिए कहीं पर इसका जवाब में पढ़ सकता। लेकिन जाहिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा आलिम होता है कि जब आप उसके पास जाए तो कहेगा जो उसको इसी बात पर होती है कि भाई आप लड़ा चुके, अब मिलाने की बात, ये तो मिन्नत के तौर पर टुकड़े हो रहे हैं उसको झुकने। अगर गुर्बत है और जहालत है तो आप इस्लाम हुक्म तो एक इस्लाम इज्जत दिलाने का जिम्मेदार है। जाहिर को सोसाइटी में न इज्जत मिलती है न गरीब मिलती है, तुम कह कर मैं ना आप और किसी पर मेरे साथ आप देख रहा हूँ। ये बात आप याद रखिए, मैं सुनता हूँ या मुझता हूँ, मैं इस पर कोई दो फरमाइश नहीं हूँ। वो मुसाजत नहीं हूँ कि अगर आप पास इल्म नहीं है आप जाहिल हैं तो आप दुनिया में जलील हैं, इज्जत पा सकती है। इसी तरह से अगर आप गुर्बत का शिकार हैं और आप पास वक्त के फायर के फायदा के लिए पैसा नहीं है तो आप मुसलमान। इस्लाम इन दो चीजों से लड़ने के लिए आया है, पहले गरीबी को मिटाओ, रिहायत को मिटाओ, अपनी गरीबी को मिटाओ, दूसरों की गरीबी को मिटाओ। हमारे यहाँ सोचता है क्या है, लोगों को खुश करने के लिए हम शादियों में लाखों रुपया खर्च कर। मैं बेटे का गया निकाह पढ़ने के लिए, मैंने निकाह पढ़ा नहीं लेकिन बाहर मैंने पिंडाल के पास देखा एक बेहतरीन का
उसे बताया गया इसकी कीमत 40 लाख है और सारी कीमत है ये कारियाँ तुरंत बने बताया गया कि ये दीवान की बल्कि बल्कि यानी शोहर की उनके 40 साल बना उनके कौन से कार्य 40 साल मिलेगी तो वे शादी करेंगे। ये बताइए बेटा इंसान अपने आप को बेच ये सब तुझे हराम है सब चीजें अगर चार आदमी किसी को पैसा रह सके आप के तो चार हो सकता हराम है दुनिया में गरीब और जाहिर कौमें क्या कर रही और पढ़ी लिखी और पैसे वाली कौमें क्या बातें मैं आपको चाहता हूँ अफगानिस्तान वो मुल्क है जहाँ गुर्बत और शहादत इसके सर पर पगड़ियाँ दिखाई तुम पीछे थोड़ी गाड़ी अब पहले अफगानी दुनिया की सबसे बड़ा खराब कौम अफगानी दुनिया की सबसे ज्यादा बेईमान कौम अफगानी दुनिया की सबसे ज्यादा बेगैरत कौम अफगानी एक रात मैंने होटल में ठहरा हुआ था कम से कम सफाई हो तो दो तीन मैं तो उस होटल के वॉशरूम में गया टॉयलेट में गया तो मैंने सोचा कि मैं टॉयलेट में पाँव कहाँ पर रखूँ भाई पाँव कहाँ पर रखूँ जहाँ पाँव रखा जाता हूँ मैं छोड़ दूँ फर्स्ट को अरे भाई टॉयलेट है ये पाँव सीट लगी भी है यार मैं वहाँ से भागा कोई सवाल